हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहे हैं आलू के समोसे। आलू के समोसे के लिए हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। मैंने ये लिया है मैदा। आप जितना मैदा लेंगे उससे 1/4 आपको आटा लेना है। जितना आटा लिया है उससे आधा आपको बेसन लेना है और बेसन के बराबर हमें रवा लेना है। रवा और बेसन मिक्स करने से हमारे जो समोसे हैं उसका कवर क्रिस्पी रहेगा। समोसे ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी बने रहेंगे। मैं और जितना हमारे टोटल आटा होगा उसके 1/4 हमको इसमें ऑयल मिक्स करना है। मैं सबसे पहले इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो अजवाइन डालें। और ये इसमें ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये मौन मैंने कितना डाला है। अब हम इसे कड़क गूंधेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अभी कोरोना चल रहा है तो आप अपने घर में किचन में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। फ्रेंड्स, हमें आटा गूंदने में अच्छे से मेहनत करना है। हम जितना अच्छा आटा गूंदेंगे हमारे समोसे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप कम से कम 10 मिनट तक इस तरीके से आटे को गूंदें। ये आटा मेरा कंप्लीट है। मैं इस आटे को अब ढक के रख रही हूँ और अब हम समोसे का मसाला तैयार करेंगे। आटा तैयार करने के बाद अब हम समोसे का मसाला तैयार करेंगे। ये आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। इस मसाले में हमें लगेगा जीरा, सौंफ, साबुत धनिया, राइन और थोड़ी सी हींग ली है। ये हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया है। इसके साथ में थोड़ा सा धनिया, हल्दी और नमक लिया है। ये गरम मसाला है। ये पुदीना है, हरा धनिया और थोड़ा सा बेसन इसमें हम डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शक्कर और ये लेमन। आप लेमन की जगह पर अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। समोसे का मसाला हम खट्टा मीठा बनाएंगे तो वो समोसे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैं हरी मिर्ची से बना रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्ची से भी बना सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले हम ये राई, सौंफ, जीरा ये डालेंगे। इसके फ्राई हो जाने के बाद हमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हम ये हरी मिर्ची पिसी हुई और धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिक्स कर रहे हैं। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है। ये ऑयल अलग हो गया, यानी कि हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ये आलू मैश किए हुए मिक्स कर रही हूँ। आलू को अच्छे से इसमें फ्राई करने के बाद हम इसमें ये पुदीना मिक्स करेंगे। पुदीने को मैंने अच्छे से काट लिया है। बारीक कटा हुआ पुदीना है, हरा पुदीना लिया है। अगर आपके पास हरा ना हो तो आप सूखे से भी काम चला सकते हैं। पुदीना मिक्स करने के बाद हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया मिक्स करने के बाद हमने थोड़ी सी शक्कर इसमें मिक्स की है। हमें जो मसाला है इसको थोड़ा ड्राई करना है, तो इस मसाले को ड्राई करने के लिए हम इसमें 1-2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से हमारा मसाला ड्राई भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। हमारा मसाला कंप्लीट है। अब मैं इसमें ये सब
सबसे लास्ट में गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसमें लेमन जूस मिक्स कर रहे हैं। लेमन जूस मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इस मसाले को ढक के रखेंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। फ्रेंड्स, समोसे का मसाला भी कंप्लीट है। समोसे का आटा भी तैयार है। आटे को इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से रोटी बेल लेंगे। ये रोटी जो हमने बेली है, जो हम रोज़ दाल सब्जी के साथ में जो रोटी खाते हैं, उससे थोड़ी सी मोटी रोटी है। अब इस रोटी को हम चार भागों में बांटेंगे। चार भागों में रोटी को काटने के बाद हम ये इस तरीके से रोटी को फोल्ड करेंगे। एक पार्ट लेंगे, एक रोटी से हम चार समोसे बनाएंगे। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे और पानी लगा के, किनारी पे पानी लगा के इसको ये पैक कर देंगे। देखो, बिल्कुल मार्केट में जो समोसे मिलते हैं ये शेप वैसा ही आया है। एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। देखो, ये हमने टुकड़ा लिया, इसको यहाँ पानी लगाया, इसको इस तरीके से ये मैंने जॉइंट किया, ये मसाला डाला इसमें, ये किनारी पे पानी लगाया और अब इसको हम अच्छे से जोड़ देंगे। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट में जो समोसे आते हैं ये दिखने में भी वैसे ही दिखेंगे और खाने में भी उससे अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के समोसे भी फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये तेल हमारा गरम हो गया है। जब भी हम समोसे फ्राई करें तो तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में अगर हम समोसे डालते हैं तो समोसे का जो कवर है उस पर बबल्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे आलू के समोसे तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है। आप इसे ज़रूर बनाइए। आप ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छी डिश बनाई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much for watching my video.